हेलो जी, कैसे हो सारे? होप यू आर गुड। तो इस दिवाली दो बड़ी मूवी का क्लैश होने वाले हैं, तो हम सभी को मालूम है, जिसमें पब्लिक थोड़ा कंफ्यूज है कि पहले किसको जाकर देखना चाहिए। तो इस बीच साउथ की दो बड़ी मूवी ने, बड़ी तो नहीं बोल सकते बट हाँ अच्छी मूवी ने वाइल्ड कार्ड एंट्री मार दी है, लक्की भास्कर और अमरन, जिसमें से लक्की भास्कर के बारे में पहले बात कर चुका हूँ। अभी बात करते हैं अमरन के बारे में, जिसका ट्रेलर 3 दिन पहले यूट्यूब पे ड्रॉप हुआ था। तो कैसा है ट्रेलर, आओ इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। सो वेल हेलो एवरीवन, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू द बॉस स्टार। तो भाई लोग शिवा कार्तिकेयन, साई लेवी, राहुल बोस एंड भुवन अरोरा स्टारर अमरन एक बायोग्राफिकल एक्शन वॉर फिल्म होने वाली है, जो ट्रेलर से क्लियर समझ आ रहा है। एंड देखो, इस टाइप की कॉन्सेप्ट वाली मूवी ऑलरेडी बहुत सारी बन चुकी है बॉलीवुड से लेकर टॉलीवुड तक, लाइक उरी, शेरशाह, मेजर एंड और भी कई सारे। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस टाइप की मूवीज पब्लिक को बहुत पसंद आती है और बॉक्स ऑफिस पे अच्छा परफॉर्म भी करती है, क्योंकि हमें इंडिया के हिस्ट्री वॉर को लेकर काफी कुछ जानने को मिलता है और एक सोल्जर जिसके बचपन से लेकर तिरंगा में लिपटने तक का सफर देखने को मिलता है। तो अमरन की स्टोरी भी कुछ ऐसी है जो इंडिया के मोस्ट फियरलेस ट्रू स्टोरीज ऑफ मिलिट्री पे बेस्ड है, जहाँ पे मेजर मुकुंद ग्रीजे के लाइफ के बारे में बताया जाएगा, जो 25 अप्रैल 2014 को काजी पथरी ऑपरेशन के दौरान शहीद हो गए थे। एंड ट्रेलर से ये समझ आ रहा है कि इस मूवी का स्टोरी मुकुंद वरदराजन, प्लेड बाय शिवा कार्तिकेयन, के बचपन से शुरू होगी, जहाँ पे उनके माँ बाप के इमोशन के बारे में बताया जाएगा कि कैसे अपना एक लौते बेटे को आर्मी में जब वो भेजते हैं तो उनका क्या रिएक्शन होता है, उनका क्या थॉट्स आर्मी को लेकर के, एंड मुकुंद का इंडियन आर्मी ज्वाइन करने का जर्नी को दिखाया जाएगा। साथ में उसके पर्सनल लाइफ, जिसमें उसकी वाइफ इंदू रेबिका वर्गीस प्लेड बाय साई पल्लवी के साथ उसका लविंग रिलेशनशिप को भी दिखाया जाएगा। मेन टॉपिक है इसका कश्मीर का शोपियन ऑपरेशन, जहां पे मिलिटेंट से निपटने मुकुंद की टीम जाती है और इस ऑपरेशन के दौरान मुकुंद की बहादुरी, उसके टीम का इमोशनल सैक्रिफाइसेस और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। एंड देखो, एक बात तो मानना पड़ेगा कि ट्रेलर बहुत ही अच्छे तरीके से कट किया गया है एंड कुछ फाइट सीक्वेंसेस दिख रहे हैं, जिससे अपना थिएटर में चिपक के बैठ जाओगे। एंड परफॉर्मेंस वाइज कैरेक्टर को देखेंगे तो सभी का परफॉर्मेंस भी बेहतरीन लग रहा है। माँ बाप और वाइफ का जो एंगल है वो इमोशनल होने वाला है। एंड वैसे बीएफएक्स और म्यूजिक जो है वो एवरेज है, बट इस मूवी को उतना फर्क नहीं पड़ने वाला है इस बात से। मैटर करता है इसका प्रेजेंटेशन और स्क्रीन प्ले, जो ट्रेलर से तो मस्त लग रहा है, बाकी मूवी में देखते हैं हमें क्या कुछ देखने को मिलता है, कैसा निर्देशन है इसका। एंड एक चीज जो मुझे कुछ खास नहीं लगा ट्रेलर से, वो है इसका हिंदी डबिंग। अगर मूवी में भी ऐसा ही डबिंग हुआ तो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। बाकी आप रेडी रहना 31 अक्टूबर को इस मूवी को देखने के लिए, या फिर लक्की भास्कर है उसे भी देख सकते हो। उसके बाद फिर आएगा 1 नवंबर को सिंघम अगैन एंड भूल भुलैया 3, तो फिर वो देख लेना। तो आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत। आज थोड़ा मैंने जल्दी जल्दी में बोला, इतना जल्दी बोला कि कहना ही नहीं। सो शुक्रिया एंड बाय।